तो लबज बोल के दिखाएं प्लीज। दिस इज अ लबड़ लबड़ एंड दैट इज अ डेले थप्पड़। अरे वाह, मजा आया है, गया कटाई एकदम लहर मार दी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं शुरू कर रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा, मैं यहाँ से बस निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो लोकेशन जो है वो ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। साउथ अफ्रीका की जो जंगलों की जो कहानी होगी वहीं से शुरू होगी। तो हम सीधे यहाँ से निकल रहे हैं। मैं घर से निकल चुका हूँ और सीधे वहीं लोकेशन पे ही जाऊँगा। मैं न्यू फोन लिया हूँ, आईफोन का। ये उल्टा लग रहा है लेकिन बंद करके फिर देखा हो ऐसे। हाँ, ये मैं आपसे आईफोन का और भैया के दुकान से लिया हूँ। भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मोबाइल शॉप है जगत फार्म में। आप लोगों को भी जब भी कोई भी सामान लेना, मोबाइल बनवाना हो, मोबाइल से संबंधित कोई भी सामान लेना हो, तो आप यहाँ पे आना। मैं झुकेगा नहीं सर, झुकेगा नहीं। लावा है, आईफोन समझा है क्या? काम हो गया खत्म। हम जा रहे हैं अब सीधे लोकेशन पे जहाँ हमारी शूटिंग हो रही है। अगली शूट करने जा रहे हैं, उसी लोकेशन में जाने वाले हैं। मैं और शिवम अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। आप कौन सी कंपनी का फोन चलाते हैं? वन प्लस। एक बात जानते हैं, आप जिस कंपनी का फोन चलाते हैं ना, उस कंपनी का हम हेडफोन चलाते हैं। हेडफोन मतलब ऊपर हेड और क्या, मजा आया। आप क्या समझे? हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अब हम लोग जा रहे हैं अमेजोन के जंगलों में, जो जहाँ पे हम लोगों की शूटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीडियो की। और भैया को बहुत बहुत शुक्रिया, जो टोपी लगा के बैठे हैं देख नहीं रहे हैं, फिर भी शुक्रिया अदा करना। भैया एक बार देख लीजिएगा, हाथ ऐसे कर दीजिए। ये हमारे भैया हैं। तो हम लोग आ गए हैं लोकेशन पे, गाड़ी उधर पार्क कर दिए। अब इसके आगे हम गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो हमारा लोकेशन इधर ही होगा। इधर की तरफ देखिए, तब मतलब दूर दूर तक चट्टाने दिख रही हैं, बस उधर पहाड़े दिख रहे हैं, आप उधर देख सकते हैं। हाँ, उधर उधर की तरफ। तो हम लोग आज नहीं, एक दो दिन बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हमारी शूटिंग यहीं पे होगी। और इधर देखिए, इधर भी है। और यहाँ पे देखिए गाइस, थोड़ा भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। इधर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे आप आते हो, करेंगे, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, चारों तरफ जंगल है, और यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल फोन में देख लीजिए आप। एप्पल के फोन में भी जब नेटवर्क नहीं आ रहा है तो बात ही खत्म हो गया। तो इधर देखिए, इधर पानी का भी स्रोत हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे पीने लायक पानी है, मेरे पानी है, पता चल रहा है। चाट के दिखाओ। तो मैं चाटो थोड़ा सा आज नहीं। मैं अपने गाइस को बताना चाहता हूँ, जो हमारा 1 मार्च को वीडियो आएगा जलजला न्यूज का, उसमें हम इस पानी को प्यूरिफाई करके आप जंगल में कैसे पी सकते हैं, कैसे अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, हम ये आपको दिखाएंगे। डिवाइस से मुझे पता चल रहा है वो पानी यहीं पे है। चाट के दिखाओ एक बार, चाट के दिखाओ। नहीं, अभी नहीं चाट सकता हूँ, ये मैं दिखाऊंगा आपको जलजला न्यूज की खास। और कहाँ कहाँ हमारी शूटिंग जो है और होगी, तो इधर भी चट्टाने हैं बहुत बड़े, बड़ा बड़ा पत्थर दिखाऊंगा। कुछ भी आज कल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करूंगा गाइस, ये मिलेगा आपको 1 मार्च को। थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा गाइस, बहुत मजेदार वीडियो आने वाली है और मजा आएगा, क्योंकि लोकेशन तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं, बहुत बहुत मेहनत करके आए हैं, 2-3 घंटे लग गए ढूंढते, बहुत बहुत सारी लोकेशन थी, लेकिन ये वाला अच्छा लग रहा है। यहाँ बिल्कुल कूड़ा उड़ा नहीं फेंका जाता है, और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कूड़ा तो बिल्कुल फेंका नहीं जाता है। तो ये गाइस, ये कूड़ा नहीं है, ये सारा जो भी चीज है, ये समंदर से बह के आया था, पहले यहाँ पे प्रलय आया था, जल प्रलय यही आया था। चलिए तो आगे चलते हैं हम, अब इसी ब्लॉक को अब और दिखाएंगे। और इधर देखिए जंगलों में, इधर की तरफ जो जंगल है, इधर की तरफ मैं और दिखा दूँ आपको, देखिए पूरा लोकेशन जो हमारा है। तक के लिए हम लोग चलते हैं, हम मिलते हैं 1 मार्च ना, रुकिए अभी हम लोग जा रहे हैं और कहीं, अभी जाना है मूवी देखने, क्योंकि आज फ्री था मैं, तो इसलिए मूवी देखेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल रोड वोड नहीं है, हम गाड़ी पार्क बहुत दूर करके आए हैं। रोड हमारे यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर दूर है, तो हमने गाड़ी जो पार्क करी बहुत पच्चीस पार करके जाना होगा गाइस, बहुत मतलब कठिनाइयों से। मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन प्लीज दिखाए कि मैं कैसे नहर से कूद के इतनी कैसे जाऊंगा, ये इस नहर को मैं कैसे पार करूंगा, यही सीखने वाली बात होती है। अगर मैं गिर गया तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। चाहते हो कैमरामैन थोड़ा दूर से दिखाए, ये जो बहुत बड़ा नहर है 4 किलोमीटर दूर, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा ही बस कूद के फांग सकता है। आज मैं फांग के दिखाऊंगा गाइस, मैं फांगने जा रहा हूँ, और मैं गिरूंगा तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं बच के आप लोगों को एक रास्ता दिखाने वाला हूँ गाइस। तो जैसा कि मैं चाहता हूँ आप लोग देखिए, और ये मैं कूद गया, गिर भी गया, मैं इस पर आ गया। टेक्निक लगा के अपने आप। तो अगर मैं ठग लाइट वाला दिखाऊं आपको, ऐसा कुछ था नहीं रास्ते में, आपको मेरी बेइज्जती करने में अच्छी लगती है। देखिए रास्ता यहाँ से बता, बस ओवर एक्टिंग करनी इनको। अब हम आ गए अपने गाड़ी के पास। ये मेरी नई स्कूटी है, जो मैं जलजला न्यूज़ से कमा के खरीदा हूँ अपने मेहनत के पैसे से, और जिसकी चाबी इनके पास रहती है। ले कोई बात नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं, कुछ स्नैक्स टाइम है, तो थोड़ा सा देख रहे हैं, बजट बहुत आ गया हमारा, कोल्ड कॉफी और ये पिज्जा वगैरह सब आज खाएंगे हम लोग। और हाय गाइस,
मैं हूँ आपका अपना शिवम तिवारी। अच्छा, और मैं भी कोल्ड कॉफी पी रहा हूँ, मेरे पास भी बजट आ गया है। अंतरा में हम लोग आ चुके हैं और हमारे सारे जो मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सारे आ गए। शिवम बड़े आदमी पी रहे हैं। सारा सारा इसमें सॉरी ध्यान नहीं दिया था, मैं तो बहुत महंगी वाली कॉफी पी रहा हूँ, 900 रुपए की ग्लास में। हाँ, बस ये देखिए, ये मेरा यार, किसी और का नहीं है, मैं पी के भी दिखा देता हूँ। सीधे सीधे गेट के बाहर से लेके आए तो अभी इनको और इसकी काली ग्लास और मेरे पास सबसे मैं काली और आकाश 5000 आकाश तुम दिखा दो यार। यार ये दूसरे का लेके आए, दूसरे टेबल से उठा के लाए। मेरे पास जो था वो असली है, बाकी सारा नकली है। तो हम लोग अभी पिज्जा और सब सब कुछ खा रहे हैं। अरे अरे ना ना ना, फिर मिलते हैं, तब तक मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये देखिए, इधर देखिए हमारे फ्रेंड्स, ये हैं आरती जी और ये हैं सानिया जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रह चुकी हैं बैडमिंटन में, सानिया मिर्जा। अच्छा सानिया, सॉरी, ये सानिया जी हैं, बहुत ही खुश शर्मा जी हैं, ये ब्राह्मण हैं मेरी तरफ। और ये देखिए, ये है हमारी क्यूटी मिस क्यूटी, ये एग रोल खाती है बहुत ज्यादा। इसका नाम है बकर। और ये इंग्लिश बहुत ही अच्छा बोलती है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्तों से दो वार्तालाप करें, दो लवज बोल के दिखाएं प्लीज। दिस इज लबड़ लबड़ एंड कैट इज डेली थप्पड़। अरे वाह, मजा आया, एक आया कतई एकदम लहर मारती। और ये देखिए कैसे, और ओम बो, और इधर की थोड़ा देखिए, देखिए सारा मतलब यहाँ पे, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी जगह है ग्रेटर नोएडा में। तो चलते हैं हम लोग अब सीधे ने रूम पे। आ गए हैं तो हम लोग, अभी बस लोकेशन देख के आए हैं, अभी इसके बाद जाना कहाँ, अब इसके बाद आलू प्याज और गोभी की सब्जी बनानी है। हाँ, और मूवी देखने जाना था ना, मूवी देखने जाना है हॉलीवुड की, अगर समय से हम लोग अगर सब कुछ हो गया तो नाइट्स को देखने जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो वी आर गरीब। आ गए हम लोग अंदर, अब खाने का प्लानिंग जो है, नाइट व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ फिर से, एक बार फिर से नाइट व्यू दिखा, रुके रहिए, चुप रहिए, आप लोग दिखाता हूँ। अच्छा जीवन, मैं बात बताओ, ये जो तुमने जो बिल्डिंग बनवाई थी, तो कितना लग गया था तुम्हें बनवाने में? तो जब देश हमारा आजाद हुआ था, ओहो, तो उस टाइम की बात है। हाँ, इतनी अच्छी बिल्डिंग उस टाइम बनी थी 1947 में। ओहो, तभी से मेरा प्रोजेक्ट था कि मैं कुछ अच्छा करूं। ओहो, और उसके बाद जैसे कि पीछे वीडियो में आप देखे होंगे, मुझे परमाणु बम लगा था 1998 की वाली लड़ाई में, तो उसमें तो आपने कुछ दूसरा ही बोला था भाई, जो भी बोला होगा लगा था, लेकिन परमाणु बम लगा था मुझे, और तब से मैं मतलब फिर यंग होने लगा और आज आपके सामने ग्रेटर नोएडा शायद आपने ही बसाया है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, गोरखपुर, और आपका मुंबई ले लीजिए, मुंबई में ये जो बॉलीवुड बसा है पूरा, ये वो मतलब ये सारा मतलब सर मैंने ही कितने प्रधान भूल गया देश के पहले प्रधानमंत्री जो हमारे थे, नाम बताइए उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, उनको भी मैं मतलब बहुत सपोर्ट किया, मेरे जी के थे कि मेरे क्रेडिट को बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट को, क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास अभी है ही नहीं, बना ही नहीं है, बैंक वाले कह रहे पैसे, क्या बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या आप लोगों ने व्यू देखा, और व्यू के साथ शिवम की बकवास सुनी आपने, जितना फेंकना था फेंक लिया उन्होंने, अब नहीं फेंकने दूंगा। मैं चल रहा हूँ अंदर और अभी बंद कर देता हूँ, देखिए अंदर मिलाते हैं हमारे और दोस्तों से, अंदर मिलाते हैं और भी बहुत सारे हमारे मेहमान जो है, कौन क्या कर रहा है मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, कौन क्या कर रहा है ये भी दिखाएंगे, मेरे के कौन है इसमें, देखिए इधर है राय साहब। अरे नमस्कार भाई, क्या हाल, देखिए यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं फोन से, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और ये आ रहे हैं हमारे आकाश, आकाश जी आ रहे हैं, नमस्कार, चलिए इधर आइए। और ये है हमारे बाबू गोविंद दास पिल्लेश्वर मौर्य जी, यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, मौर्य जी इतना पढ़ाई का जरूर है, ये बनो भाई दोस्तों को। हमने खाना वाना खा लिया, हमारी प्लानिंग है बस सोने की, 12 बजने वाले, बस लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि मॉर्निंग में ड्यूटी भी जाना है और क्लास भी। और ये देखिए शिवम यहाँ पे, देखिए यहाँ सो गया है, क्योंकि टाइम हो गया है, मॉर्निंग में इसका भी क्लास होता है, तो लिखते लिखते देखिए स्क्रिप्ट लिख रहा था यहाँ पे, हमारा अपकमिंग जो वीडियो आने वाली है के लिए। उफ, बहुत थक गया बेचारा आज, अभी जा रहा हूँ आप सोने, और आप भी सो जाइए, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वरना करते रहिए, बस खुश रहिए, देखते रहिए मेरा ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद और जय भारत। Let me try to reach out.